उपस्थित सारे विश्व के हिंदू और हमारे प्रिय भाग्यनगर के सारे सनातनी वैदिक हिंदू, आज का जो दिन है ये विश्व का ऐतिहासिक दिन है। और जितने भी ये युवा हैं 1558 के बाद आज पहली बार संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत पहली बार आज रामनवमी मना रहा। इतने जल्लोष से, इतने उत्साह से हम सभी का एक संकल्प होना चाहिए। हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, पर राम राज्य अभी बाकी है। राम राज्य अभी बाकी है, तो राम राज्य कौन कौन बनाएगा? राम राज्य कौन कौन बनाएंगे? अगर आपने वीर हिंदू माताओं का दूध पिया हो तो आपकी आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। कहां तक? सभी लोग एक स्वर में एक साथ जय श्री राम। आवाज उन आतंकवादियों तक जाने चाहिए जिन्होंने 500-800 साल तक हमारे हिंदुओं पे, हमारे भारत पे, इस पुण्य पवित्र भूमि पर जुल्म किया। आवाज उनके बहरे कानों तक भी जानी चाहिए। संपूर्ण विश्व राममय होना चाहिए। सभी लोग एक साथ एक स्वर में हिंदुओं की आवाज होनी चाहिए, अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या का राम मंदिर बन गया है और अभी बहुत ही जल्दी काशी, मथुरा और जितने भी 56,000 मंदिर टूटे हैं वो सारे हम सारे हिंदू मिलकर एक साथ बनाएंगे। काशी के लिए एक साथ आवाज, काशी विश्वनाथ के लिए हरे हरे। आवाज काशी विश्वनाथ तक पहुंचने चाहिए। आज हम सभी लोग जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, इसके कारण एक महामारी से हम मुक्त हुए हैं। उसने धर्म का साथ दिया, बहुत भारत ने विश्व के सारे जनमानस को जिसने जीवित रखा, कोरोना नाम के महामारी के जिसने हमें बचाया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद देना, सरकार हिंदुओं की भी आनी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भवानी वीर शिवाजी, जय भवानी वीर शिवाजी, जय भवानी वीर शिवाजी, जय भवानी वीर शिवाजी, वीर शिवाजी, जय भवानी। अपने अपने माता पिता की जय, सनातन धर्म की जय, राष्ट्र की जय, अखंड हिंदू भारत की जय, अपने अपने माता की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस पुण्य पवित्र पावन भूमि भारत माता की जय, जय श्री राम, जय। मैंने ऐसा जल्लोष पूरे भारत में कहीं नहीं देखा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाग्यनगर में ही हो सकता है। एक दिन का जल्लोष करके नहीं होगा, यह 363 दिन का रामनवमी है। रामनवमी एक दिन की है क्या? 363 दिन हम सभी लोग राममय करेंगे, राम जैसे बनेंगे, तभी यह भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरु महाराज जी का जिन्होंने आपको अंतिम से इस भव्य वाणी पर किया है।